हेलो बैंकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक केसलेट डीआई एक्सप्लेन की थी, तो आज हम लोग भी एक दूसरी केसलेट डीआई को डिस्कस करेंगे जो उसी पैटर्न पे जो मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी। तो आप लोग ये क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और एफ जो सिक्स स्टेट है, छह राज्यों की जो क्या है सिक्स स्टेट्स की पॉपुलेशन है, छह राज्यों की जनसंख्या के तुलनात्मक ये जो छह राज्यों की जो सिक्स स्टेट की पॉपुलेशन है इनके बारे में स्टडी की गई, तो ये हमें रिजल्ट मिले। राज्य ए की महिला जनसंख्या सी की पुरुष जनसंख्या का 120% है। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राज्य डी की राज्य ए की महिला जनसंख्या राज्य सी की पुरुष जनसंख्या का 120%, तो ए फीमेल्स हैं वो सी के मेल्स का 120% है, और जो ए की फीमेल्स है वो बी की फीमेल्स का 90% है। जो राज्य बी की पुरुष जनसंख्या है जो बी के मेल है वो बी के मेल का 125% है, और जो बी के जो मेल है जो बी के मेल पॉपुलेशन है वो ई के मेल पॉपुलेशन का 1:11/14 टाइम्स है। और फिर जो डी है टी के मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 13:12। फिर जो ए के मेल है ए की मेल पॉपुलेशन इस पूरे जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है 1980, उसका 5/11। राज्य सी की जो फीमेल पॉपुलेशन है वो ए की फीमेल पॉपुलेशन का 110% है, और एफ की मेल पॉपुलेशन का 75%। जो सी की जो फीमेल पॉपुलेशन है वो ए की फीमेल का 110% और एफ की मेल का 75% है। ई के मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया है 7:8। फिर बी की फीमेल पॉपुलेशन ए की मेल पॉपुलेशन का 150% है। राज्य एफ की महिला जनसंख्या राज्य बी की पुरुष जनसंख्या के बराबर है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको रीड करके पूरा बता दिया। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे जहां पर हमें डाटा दिया हुआ है, तो ये सभी तो परसेंटेज में है, कहीं से भी स्टार्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर ये जो दिया हुआ है जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की कितनी है 1980, वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए ये दिया हुआ है ए की जो मेल पॉपुलेशन है वो 1980 का कितने टाइम्स है 5/11 टाइम्स है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपनी टेबल ड्रॉ कर लेंगे। सिक्स स्टेट्स, ओके, अपने लास्ट वीडियो में मैंने सेम पैटर्न का एक एडिट कराया था, तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को कुछ कुछ समझ आया होगा। आज हम लोग उसके आगे भी साथ में समझेंगे। तो मेल मेल पॉपुलेशन होगी कुछ उस फीमेल, ओके, तो कितनी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है 1980। चलिए लिख लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन है वो 1980 है, ठीक। तो ए की पुरुष जो ए की मेल मेल पॉपुलेशन ए की जो ये मेल पॉपुलेशन है वो 1980 का कितने टाइम्स है 5/11 टाइम्स। जब हम लोग 1980 का 5/11 टाइम्स करेंगे तो ये 11 से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 900। तो क्या है, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। राज्य जो सी की जो फीमेल पॉपुलेशन है वो ए की
फीमेल पॉपुलेशन का 110%। तो सी की फीमेल पॉपुलेशन, ए की फीमेल, तो ए की फीमेल तो पता नहीं है, लेकिन वो पता, देखिए ए की मेल पॉपुलेशन कितनी है, 5/11 टाइम्स है, तो जो जो बचेगी वो भाई मेल है फीमेल है और तो है नहीं कुछ भी, तो जो जो भी बचेगा रिमेनिंग वो सारी होंगी फीमेल्स। तो अगर मेल्स 5/11% है तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, 11 - 5/11 हो जाएंगी, यानी 6/11, तो 1980 का 6/11 कितना हो जाएगा, ये देखिए 1080, ए की फीमेल हो जाएंगी 1080। ओके नेक्स्ट क्या है, सी की फीमेल पॉपुलेशन, ए की फीमेल पॉपुलेशन का 110%, तो सी की फीमेल पॉपुलेशन, ये ए की फीमेल पॉपुलेशन, ए की फीमेल पॉपुलेशन कितनी मैंने फाइंड आउट की 1080, इसका 110% को लिखते हैं 11/10। ओके तो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग इसे ऐसे 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1108। सी की फीमेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 1188 होगा, ठीक है 1188। ओके ठीक है, ई के मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है 7:8, तो अगर ये 7x होगा तो ये 8x होगा, तो बी की फीमेल पॉपुलेशन है ए की मेल पॉपुलेशन का 150%, तो 150% की वैल्यू क्या होती है, 150% होता है 3/2, ये तो होता है बी की फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन इसका मतलब ये ए के मेल पॉपुलेशन का 3/2, ए की मेल पॉपुलेशन 900 का 3/2 1350, तो वो जो बी की फीमेल पॉपुलेशन होगी हो जाएगी 1350, ये हो जाएगा। ओके जो एफ की फीमेल पॉपुलेशन है डी के मेल पॉपुलेशन के इक्वल है, तो अगर डी का फीमेल, डी का मेल हम लोग कुछ भी लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर टी, कुछ कोई भी वेरिएबल हम लोग लेट कर लेंगे, तो एफ की जो, एफ की जो फीमेल कितनी हो जाएंगी वो भी टी हो जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, और भी कुछ कुछ डाटा हमें ऊपर भी दिया हुआ है, ऊपर भी देख लेते हैं हम लोग इसमें, तो क्या है ए की जो फीमेल पॉपुलेशन है यानी कि ये सी के मेल पॉपुलेशन का 120% है, सी के मेल पॉपुलेशन, इसको हम लोग ऐसे एक सेकंड लोग यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, तो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, ये सब सॉल्व हो गया। ठीक है देखते हैं, ए की फीमेल पॉपुलेशन सी के मेल पॉपुलेशन का 120% है, तो सी का मेल तो हमें अभी फाइंड आउट करना है, तो सी का मेल फाइंड आउट करना है, ये कितना है ए की फीमेल पॉपुलेशन, ए की फीमेल पॉपुलेशन 1080 का 120%, सबसे पहले बताइए 15, ठीक है, तो सी की जो मेल मेल पॉपुलेशन है यहाँ पर, सी की मेल पॉपुलेशन का 120%, सी की, ए की फीमेल पॉपुलेशन, सी की फी, फी, सी के मेल पॉपुलेशन का 120% है, तो ए की फीमेल हमें कितनी 1080, सी के मेल का 120%, तो सी के मेल का 6/5 जब करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 1080 मिलेगा, तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा सी के मेल पॉपुलेशन आ जाएगी 900, सी की मेल पॉपुलेशन 900। ओके डी की फीमेल पॉपुलेशन का, जो ए की फीमेल पॉपुलेशन है वो डी की फीमेल पॉपुलेशन का 90% है, तो ए फिर से हम लोग ये लिख लेते हैं, ए की फीमेल पॉपुलेशन हमें ये पहले से नोन है 1080, वो डी की फीमेल पॉपुलेशन, डी की फीमेल पॉपुलेशन तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो डी की फीमेल पॉपुलेशन का 90% यानी कि 9/10, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 आ जाएगी,
डी की जो फीमेल पॉपुलेशन है वो आ जाएगी 1200। इसके आगे देखते हैं, जो बी की मेल पॉपुलेशन है, डी के मेल पॉपुलेशन का 125% है। तो ये तो अभी हमें इसमें से कुछ भी नहीं पता है, ना ही बी के मेल पता है ना ही डी के मेल पता है, तो उसको लाइन को रहने देते हैं। और जो बी के मेल पॉपुलेशन है, ई के मेल पॉपुलेशन का 1:11/14 टाइम्स है। तो अभी इसमें से भी अभी कुछ भी अभी हमें नोन नहीं है, तो इसे भी रहने देते हैं। डी की जो मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो दिया है 13:12। अब देखिए डी की फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, पहले से नोन है 1200, जबकि रेशियो कितना दिया हुआ है 13। अगर ये 13 यूनिट हो जाएगा तो 12 यूनिट हो जाएगा। अगर 12 यूनिट की वैल्यू 1200 है, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300, तो यहाँ पे 1300 हो जाएगी। बी की मेल अगर 1300 हो जाएंगे तो एफ की फीमेल भी कितनी हो जाएंगी 1300, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि दोनों इक्वल हैं। तो एफ की फीमेल हो जाएंगी, यहां पर एफ की फीमेल हो जाएंगी, ये इसके इक्वल हो जाएंगी। ये टी की कैपिटल टी की वैल्यू 1300 है, तो यहां पर भी 1300 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद ए की मेल पॉपुलेशन, ये तो सब हो गया था, यहां पर हम लोग फिर से आ जाते हैं इस वाली लाइन में। बी की मेल पॉपुलेशन डी के मेल का, तो डी का मेल अब हमें कितना फाइंड आउट हो गया 1300 पता चल गया, तो बी के मेल कितने हो जाएंगे, बी के मेल हो जाएंगे इस तरह से, बी की जो मेल पॉपुलेशन है वो डी की मेल पॉपुलेशन यानी 1300 का 125%। तो 125% की वैल्यू क्या होती है, 125% की वैल्यू 25/20 = 5/4, तो 1300 का 5/4, ये तो होगा। ये दिया है बी की मेल पॉपुलेशन, बी के मेल पॉपुलेशन का 125%, तो डी की मेल पॉपुलेशन हमें नोन है 1300, इसका 125% यानी 5/4 कितना हो जाएगा, देखो सॉल्व करते हैं 3, 2, 5, 16, 25। तो बी की मेल पॉपुलेशन 16, 20, 16, 25। ओके, उसके बाद और भी क्या है, और भी जो बी की जो मेल पॉपुलेशन है यानी कि ये 16, 25, वो ई के मेल पॉपुलेशन का 1:11/14। 1:11/14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 25/14, इसको 25/14 लिख सकते हैं। तो बी की जो मेल पॉपुलेशन 1625 है, 1625, वो ए की मेल पॉपुलेशन का 25/14 टाइम्स, यहाँ पर 25/14 टाइम्स, तो इसे हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ई की मेल हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, इसके 25 5 = 150, उसके बाद 25 6 = 150, उसके बाद कितना इसमें बचेगा 12, तो हो जाएगा 125, तो 25 से फिर ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 × 65 कितना हो जाएगा 910। तो ई के मेल पॉपुलेशन 910, अगर 7 यूनिट की वैल्यू 910 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें ये 130 टाइम्स है इसका, तो इसका भी 130 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1040। अभी सारा कुछ हो चुका है फाइंड। अभी हम लोगों को राज डी की पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या का अनुपात ये भी हो चुका है, सारा कुछ तो यहाँ पर हो गया है। एफ की मेल पॉपुलेशन, एफ की मेल पॉपुलेशन के बारे में हमें यहाँ पर अभी कुछ दिया हो, यहाँ पर
ये देखिए सी की फीमेल पॉपुलेशन, सी की फीमेल पॉपुलेशन, एक सेकेंड हम लोग रेज कर लेते हैं इसको। सी की फीमेल पॉपुलेशन, सी की फीमेल पॉपुलेशन, ए की फीमेल पॉपुलेशन का, ए की फीमेल पॉपुलेशन का ये तो हो गया था, सी और ए हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। और एंड जो सी की फीमेल पॉपुलेशन है वो एफ के मेल पॉपुलेशन, एफ के मेल पॉपुलेशन, एफ की मेल पॉपुलेशन का 75%, 75% की वैल्यू होती है 3/4। तो इसमें से हमें 900 सी की फीमेल कितनी है 1188, एफ के मेल अभी हम लोगों को इधर से फाइंड हो जाएंगे कैंसिल आउट करके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएंगे एफ के फीमेल, एफ के मेल पॉपुलेशन 3 टाइम्स जाएगा 296। ठीक है, अब हम लोग 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1584, एफ की मेल पॉपुलेशन हो जाएगी 1584। तो हम लोगों को सारा डाटा ये फाइंड हो चुका है, तो टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सी की फीमेल पॉपुलेशन, इसकी टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, सी की महिला जनसंख्या इसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो सी की फीमेल पॉपुलेशन कितनी है 1188, टोटल पॉपुलेशन कितनी है स्टेट की, ये 1980, इसका कितना परसेंट है, तो 1980 इसको यहां पर लिख देंगे। ऐसे तो हम लोग परसेंटेज फाउंड करते हैं, सी की परसेंटेज इस तरह से फाइंड किया जाता है, सी की महिला जनसंख्या, महिला जनसंख्या इसका मतलब 1188, ये टोटल पॉपुलेशन 1980 का कितना परसेंट है, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा, चलो 2 से कैंसिल करते हैं। तो इसको अगर हम लोग 100 लेट कर लेते हैं तो अप्रोक्स में कितना पहुंचता है, 57% ये आंसर हो जाएगा। बी सी डी की एवरेज पॉपुलेशन, बी सी डी की मेल एवरेज पॉपुलेशन और सब पुरुष जनसंख्या, ठीक है, तो बी के मेल, बी के मेल कितने हैं 1625 प्लस सी के मेल कितने हैं 900 प्लस बी के मेल कितने हैं 1300, इन सबको ऐड करके 3 का डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 इंटू ये हो जाएगा 5, 2, 8 और 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1275, ये हमारा ए ऑप्शन। एफ की टोटल पॉपुलेशन, तो एफ के मेल कितने हैं 1584 और फीमेल कितनी है 1300, लोगों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2884, ऑप्शन डी। बी की मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो, तो बी के एक सेकंड नो रेस कर लेते हैं इसको, बी की मेल पॉपुलेशन, बी की मेल पॉपुलेशन है 1625, इसका रेशियो बी की फीमेल पॉपुलेशन का, बी की फीमेल पॉपुलेशन 1350। तो सबसे पहले किसे कैंसिल होगा, 5 से देखते हैं, और बी किससे कैंसिल हो जाएगा, थ्री से तो होगा नहीं,
इसको फिर से देखते हैं, 6 times 5 times 4 times 65:54 ऑप्शन डी। यदि राज्य ई की, इफ राज्य जो स्टेट ई की जो पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट साक्षर है, ई की 85% फीमेल अगर साक्षर है, तो ई की फीमेल सबसे पहले कितनी है, 1040। इसका 85% अगर लिटरेट है तो हमें इलिटरेट फीमेल बतानी है, तो 85% अगर लिटरेट है तो इलिटरेट कितनी हो जाएंगी, 15%, तो इसी का हम लोग 15% फाइंड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 156 ऑप्शन ए। तो ये हमारी केसलेट डीआई सॉल्व हो गई। तो इसी तरह केसलेट डीआई हम लोग इसी तरह से